66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय क्रीडा एथलेटिक्स प्रतियोगिता प्रदेश के 18 मंडलों एवं 2 स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों के बीच 5 दिवसीय होने वाले एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके तथा गुब्बारा उड़ाकर इस प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। गोरखपुर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया तथा खेल पुस्तिका का विमोचन किया गया तथा इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत ही जरूरी है। इससे मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। इस समय के बच्चे रात दिन किताबी कीड़ा बनकर रहते हैं, जिससे वह स्वस्थ नहीं रहते, इसलिए उन्हें स्वस्थ रहने के लिए खेलों में भी अभिरुचि ज्यादा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह खेल हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जिसमें प्रदेश के 18 मंडलों के खिलाड़ी भाग लिए हैं, जो प्रदेश का बड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छे प्रकार से समाज का काम कर पाएंगे और आने वाले हर चुनौती का सामना करेंगे। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, सचिव जफर अहमद खान, किशोर जायसवाल, पीएन सिंह, अरुणेंद्र राय, विवेकानंद मिश्रा, ओम प्रकाश दुबे, डॉक्टर विनोद राय, अशोक सिंह, रविंद्र सिंह तथा सभी मंडलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा, लंबे समय से यहाँ प्रतीक्षारत रही, वो घड़ी समाप्त हुई। हम कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए जिनके समता भाव से, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरा प्रदेश आलोकित है और शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर रहते हुए व्यक्तित्व मंच पर उपस्थित है। दुर्गा माँ हर घर घर में भर दे, यह माँ सरस्वती प्रज्वलन से उनको उन पर माल्यार्पण करके हम प्रारंभ करें सरस्वती वंदना। संवेदनशीलता सबके प्रति स्नेह, वह मुख्य अतिथि महोदय को आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर महोदया माननीय मंत्री जी को ये बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध की उत्तम शरणम गच्छामि तमम शरणम गच्छामि बुद्ध की शरण में जाते हुए मुख्य अतिथि को
मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, माध्यमिक के बच्चे जो मध्य दल के साथ है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। सलामी मंच से आगे चल रहे कांग्रेस द्वारा उनका उत्साह वर्धन करते रहे। जहां से और कानपुर मंडल के बाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यनगर का होस्ट दल है, भाग्य दल है। हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसमें हमारे 18 मंडल के बच्चे आए हुए हैं, लगभग 1500 बच्चे हैं और 200 अध्यापक हैं।
जो बच्चों के लिए खिला रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें जहाँ एक ओर बच्चे हमारे शिक्षित होते हैं, वहीं दूसरी ओर सबके साथ में मिलकर वो खेल में भी अपना प्रतिभा करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क का विकास होता है और सामाजिक परिस्थितियों का भी उनको ज्ञान होता है, आर्थिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है और सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है। और एक दूसरे से, सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे से समन्वय की भावना उनके अंदर बनती है। वो घर के आंगन से निकलकर एक बाहर के जगत में प्रवेश करते हैं और उनके अंदर देखिए आप कितना उत्साह है, कितनी उमंग है। और आज हमारे शिक्षा विभाग ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है कि 5 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, 5 दिन तक इनके रहने की व्यवस्था, इनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था, इनके खान पान की व्यवस्था, इनको स्वस्थ रखने की सारी व्यवस्था हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ ये कोई पढ़ाई आवश्यक है, वहाँ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। जब स्वस्थ मस्तिष्क हमारा होगा तो स्वस्थ हमारा जब दिमाग होगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, बच्चे खेल कूद कर स्वस्थ रहेंगे और अच्छी प्रकार से समाज के कार्य करेंगे और आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे।